कोरोना वायरस के कारण हमें घर से निकलने में डर लगता है, जिसके कारण हम महिलाओं का पार्लर जाना भी बंद हो गया है। अब पार्लर में कराए जाने वाले फेशियल ट्रीटमेंट्स को हम काफी मिस कर रहे हैं, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको घर में ही पपाया से स्किन की डीप क्लींजिंग करने के तरीके के बारे में बताऊंगी, जिसे करने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, बहुत कम चीजों से हो भी जाता है और चेहरे पर तुरंत निखार भी आ जाता है। पपीते से स्किन पर ग्लो लाने के लिए आपको मेरे साथ फॉलो करने होंगे दो इजी स्टेप्स, क्लींजिंग एंड स्किन वाइटनिंग। पपीता आपकी हेल्थ के लिए ही नहीं बल्कि आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसमें मौजूद विटामिन और मिनरल्स त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। पपीते में पोटेशियम त्वचा में नमी को बनाए रखता है और त्वचा का रूखापन दूर करता है। क्लींजिंग के प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले हम हाफ पपाया को अच्छे से छील कर इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। फिर लगभग 7 से 8 पीसेस को लेकर हम इन्हें अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। पपीता फ्लेवोनॉइड कोलेजन का उत्पादन बढ़ाता है, जिससे आपकी स्किन सॉफ्ट बनती है। इसके अलावा इसमें पपेन नाम का एक एंजाइम भी होता है, जो त्वचा से डेड सेल्स को हटाकर आपकी गंदगी को निकालता है। साथ ही यह त्वचा के दाग धब्बों को भी दूर करता है। सबसे पहले हम अपने फेस को पानी से धोकर एलोवेरा जेल अप्लाई कर लेंगे। एलोवेरा को अच्छे अमाउंट में अप्लाई करना है, ताकि हमारा फेस छूने पर वेट फील हो। अब एक पपीते का पीस लेकर लगभग पूरे फेस में रब करना है, लगभग 2 से 3 मिनट तक। ऐसा करने से स्किन पर जमी गंदगी आसानी से निकल जाती है, साथ ही यह आपके चेहरे से डेड स्किन सेल्स को हटाकर न्यू सेल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। एलोवेरा और पपीता मिलकर स्किन के लिए मॉइस्चराइजर का भी काम करते हैं। यह डार्क सर्कल्स, सनबर्न, रिंकल्स और फाइन लाइंस को भी खत्म करने में काफी मदद करता है। बाद अब हम फेस को नॉर्मल पानी से धो लेंगे और अब हमारा चेहरा अगले स्टेप के लिए रेडी है। सेकंड स्टेप में हमें अपने चेहरे पर पपीते से बना फेस मास्क अप्लाई करना है। इसके लिए हम एक बॉल में 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी में मैश्ड पपीते को ऐड कर लेंगे। इसमें मौजूद विटामिन ए और विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करते हैं, जो फ्री रेडिकल्स को रोकते हैं, जिससे चेहरे पर ग्लो आता है। इसके बाद हम इसमें 2 विटामिन ई कैप्सूल डालेंगे। लास्टली हम इसमें रोज वाटर ऐड करके एक रफ पेस्ट तैयार कर लेंगे। स्किन वाइटनिंग पेस्ट रेडी हो गया है। अब हम अपने पूरे चेहरे और नेक पर इसकी एक मोटी सी लेयर लगा लेंगे। पूरे
अपने चेहरे और गर्दन में लगाकर इसे लगभग 15 से 20 मिनट तक छोड़ देना है, जब तक ये अच्छी तरह से ड्राई ना हो जाए। मिनट हो चुके हैं और हमारा पैक पूरी तरह से सूख चुका है। अब लास्टली हमें इसे नॉर्मल पानी से अच्छी तरह से धो लेना है, चेहरे को क्लीन कर लेना है। इसी के साथ हमारा पपाया डीप क्लींजिंग कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।